नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में से चिनार तहसील के अंतर्गत बसे अदलपुरा मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं और अदलपुर में स्थित आप माता शीतला देवी के दर्शन कैसे करें और साथ ही यहां पर दर्शन करने के बाद आप कहां कहां घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका अदलपुर माता के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अदलपुरा यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अदलपुर मंदिर की। मिर्जापुर जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर चुनार तहसील के अंतर्गत स्थित यह मंदिर वाराणसी के करीब अदलपुरा गांव है, जो माता शीतला देवी को समर्पित बहुत ही खास मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना सैकड़ों वर्ष पहले मंगल नाम के एक निषाद ने किया था, जिससे कि आज तक यहां पर मां के दरबार में निषाद ही पूजा पाठ कराते हैं। और साथ ही इस मंदिर के पीछे मान्यता यह भी है कि यहां पे मांगी हुई सभी मुरादें पूर्ण होती हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं की माता शीतला के प्रति इस कदर आस्था है कि ये मंदिर परिसर के बाहर दिन रात चादर बिछा कर रहते हैं और वहीं खाना भी बनाते हैं। और माता शीतला मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ चैत्र मेले के सोमवार और रविवार को होती है, क्योंकि इस दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इस मेले के दौरान यहाँ पर आए बाहर से सभी श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना आए, जिससे कि यहाँ प्रशासन की ओर से खास ध्यान भी रखा जाता है। और यहाँ पर साल में दो बार मेला लगता है, एक चैत्र महीने में और दूसरा सावन माह के महीनों में, जिससे कि यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत ही दूर दूर से अदलपुरा मंदिर पहुँचते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप अदलपुर मंदिर के दर्शन करने कब जाएं। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे सही समय मार्च से अप्रैल और जुलाई से नवंबर तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर कई सारे त्योहार होते हैं, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत ही दूर दूर से आते हैं। और साथ ही इस पवित्र स्थान पर लोग अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं और शादी की मन्नतें भी मांगते हैं, जिससे कि देवी शीतला माता की आराधना करने से पूरे परिवार की एकता भी बनी रहती है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अदलपुरा माता के दर्शन किस सीजन में करना पसंद करेंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप अदलपुरा माता जी के मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाय प्लेन और अपने निजी वाहन द्वारा बस या कार बाइक से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप अदलपुरा मंदिर ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चुनार जंक्शन और बनारस रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ देश के कुछ ही प्रमुख शहरों से ही ट्रेनों का संचालन होता है। इसलिए यदि आपको चुनार जंक्शन या बनारस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप वाराणसी जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह जंक्शन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और जयपुर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से अदलपुरा मंदिर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, जिससे आप रिजर्व टैक्सी या रिजर्व ऑटो के थ्रू पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अदलपुरा मंदिर के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि आप वाराणसी जंक्शन के बाहर से अदलपुरा मंदिर के लिए रिजर्व टैक्सी बुक करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 350 से 400 रुपये होता है और रिजर्व ऑटो का चार्ज लगभग 200 से 250 रुपए तक होता है। और हाँ दोस्तों, आप चाहे तो प्रयागराज जंक्शन या फिर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से अदलपुरा धाम की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है, जबकि प्रयागराज जंक्शन से 124 किलोमीटर की दूरी है। और दोस्तों यदि आप अदलपुरा धाम फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप चंडीगढ़, अयोध्या, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट वाराणसी के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से अदलपुरा धाम की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है, जिसे आप रिजर्व टैक्सी या फिर ऑटो से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर से अदलपुरा धाम के लिए रिजर्व टैक्सी बुक करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 600 से 700 रुपए और रिजर्व ऑटो का चार्ज लगभग 300 से 350 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप अदलपुरा धाम बस से जाना चाहते हैं तो इस धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अदलपुरा धाम के लिए कोई भी डायरेक्ट बसें नहीं चलती हैं। इसलिए आपको अदलपुरा धाम बस से पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचना होगा अपने शहर से बस पकड़ करके वाराणसी के बस स्टैंड या फिर चुनार के बस स्टैंड पर, क्योंकि वाराणसी के बस स्टैंड के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर और लखनऊ आदि जैसे शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके वाराणसी के बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। और फिर वाराणसी के बस स्टैंड से अदलपुरा धाम की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, जबकि चुनार
कटिहार बस स्टैंड से अदलपुरा धाम की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो से 20 से 30 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप अदलपुरा धाम अपने निजी वाहन कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वाराणसी की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वाले और पेट्रोल पंप जैसी सारी सुविधा देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए अदलपुरा धाम तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, यहाँ मंदिर के पास में पार्किंग भी बना हुआ है, जहाँ पर आप पूरे दिन के लिए अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर कार पार्क करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 50 रुपए और बाइक का लगभग 10 रुपए होता है। दोस्तों, अब बात करें कि आप अदलपुरा धाम पहुंचने के बाद यहाँ पर अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर श्रद्धालु माता शीतला जी के दर्शन करने के बाद वापस चले जाते हैं। इसलिए यदि आप दूर से जा रहे हैं और स्टे करने के लिए रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप चाहे तो अपने रूम की बुकिंग वाराणसी सिटी में या फिर चुनार जंक्शन के आसपास अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर आपको रूम काफी आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि आप लगभग 1000 से 1500 रुपए तक में रूम बुक करके स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि अदलपुरा में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो वाराणसी जंक्शन या फिर चुनार जंक्शन के आसपास आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 80 से 150 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो अदलपुरा मंदिर के आसपास भी भोजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कई सारे स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करें कि आप अदलपुरा माता शीतला जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो इस मंदिर में दर्शन करने से पहले अधिकतर श्रद्धालु मंदिर के ठीक सामने गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर स्नान करने के बाद जल लेकर के दुकान से प्रसाद खरीद करके माता जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मंदिर में पहुंच करके आप गर्भगृह में माता शीतला जी के दर्शन कीजिए, मथे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे। और फिर यहाँ पर दर्शन करने के लिए यदि आप नवरात्रि और सावन के महीने में जाते हैं तो माता जी के दर्शन करने में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय तो लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन पर्वों के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भी शक्ति पीठों में से एक है। तो दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं वाराणसी की टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए, जिनमें कि आप सभी जा सकते हैं। सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, माता दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, बीएचयू न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, त्रिदेव मंदिर, सारनाथ, और फिर अंत में आप दशाश्वमेध घाट को घूमना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा की बहुत ही भव्य आरती शाम के समय ही होती है। और हाँ दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए आप चाहे तो वाराणसी में वन नाइट का स्टे भी बना सकते हैं। और हाँ, यदि आप वाराणसी यात्रा से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले से ही वाराणसी का एक फुल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो देख करके वाराणसी टूर की यात्रा काफी आसानी से कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप अदलपुरा धाम काफी दूर से आए हैं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद वाराणसी सिटी के साथ साथ विंध्याचल धाम के भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप विंध्याचल धाम के भी दर्शन काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अदलपुरा धाम से विंध्याचल धाम की दूरी लगभग 54 किलोमीटर है, जबकि वाराणसी से लगभग 62 किलोमीटर है। और दोस्तों, यदि आप विंध्याचल यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने इस धाम पर भी ऑलरेडी फुल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो देख करके विंध्याचल धाम की यात्रा काफी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि अदलपुरा धाम की यात्रा करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप अदलपुरा धाम के साथ साथ वाराणसी और विंध्याचल धाम के भी दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप तो प्लान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप अदलपुरा धाम के दर्शन, वाराणसी की टूरिस्ट प्लेसेस को और विंध्याचल धाम के दर्शन भी काफी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन सारी जगहों को घूमने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 से 12,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप अदलपुरा धाम के दर्शन करने के बाद कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और इन सारे प्लेसेस को कवर करने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं और साथ ही यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए रिजर्व टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या फिर बस आप किस प्रकार का चुनते हैं और अदलपुरा धाम के दर्शन करने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।